हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम दस है, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज वीडियो का लिंक है, वीडियो का टाइटल है इंडिया थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। बहुत सिंपल सा टाइटल है, इंडिया तीसरी दुनिया की बड़ी इकॉनमी। इसमें कोई शक नहीं, अचीव करने वाला है बहुत जल्द भारत। क्या हुआ, कब करने लगा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो दिखाने और सुनाने जा रहा हूँ ना, वो एक खबर नहीं है, वो एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि हम सभी लोगों का वो सपना जो हम पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं, वो आखिरकार पूरा होने की कगार पर है। और सबसे खुशी की बात, समय से बहुत जल्दी पूरा होने की कगार पर है। लगभग 2 साल पहले हम सबका सपना पूरा हो जाएगा। क्या है वो सपना? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि जो SBI की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी तक पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि भारत 2029 या 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत जापान जर्मनी को पछाड़ देगा बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन अब ये पूरा आंकड़ा बदल चुका है, क्योंकि हाल ही के जो समीकरण बने हैं ना, खास करके जर्मनी और जापान के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसे देखते हुए, और फिलहाल तीनों देशों की यानी कि जर्मनी, जापान और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे कैलकुलेट करते हुए पता ये लगा है कि भारत 2 साल पहले ही ये टारगेट को छू लेगा। जी हाँ, भारत 2 साल पहले यानी लगभग 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि 2027 तक ही भारत के 2 ऐसे राज्य होंगे जिनकी GDP $500 बिलियन को पार कर जाएगी। पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश। और बताया जा रहा है कि इनकी GDP वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों से कहीं आगे होगी। पाकिस्तान की टोटल GDP से डबल होगी उत्तर प्रदेश की GDP। हालांकि मुझे पता है, अब ये खबर सुनकर आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ये तो बस रिपोर्ट है, ऐसे ही छाप दिया होगा मुंह उठाकर। नहीं, इस रिपोर्ट को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रेस्पेक्ट मिल रही है। इसका कारण ये है कि इसमें प्रॉपर फैक्ट दिए गए हैं। हर बात जो कही गई है उसके पीछे रिसर्च है, जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यूपी से शुरुआत करते हैं। तो यूपी को लेकर तर्क ये दिया गया है कि 2027 तक ये 500 बिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। कैसे? इसको लेकर रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो पिछड़ा हुआ था अब तक, और वहां पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती थी, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता था, वही राज्य पिछले कुछ सालों में इतना बदल चुका है कि अब से ठीक 4 दिन पहले वो पहली बार एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। जी हाँ, वहां पर इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इंडस्ट्री से कि वो सरप्लस में आ चुका है। और खुद यूपी सरकार ने बताया है कि अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो GDP ग्रोथ है वो पूरे भारत में नंबर 1 पर आती है, जितने भी राज्य हैं। इतना ही नहीं, जो एशिया के जितने भी देश हैं उनमें जितने भी राज्य हैं उनमें टॉप 5 में आती है। लगभग 8% से ज्यादा की रफ्तार से उत्तर प्रदेश की GDP बढ़ रही है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की GDP बड़ी आसानी से $500 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। हो सकता है ये आंकड़ा 600 बिलियन भी हो जाए। हालांकि आप कहोगे कि चलो यूपी का तो हमें समझ में आ गया, लेकिन भारत की GDP कैसे बढ़ जाएगी? कैसे हम 2027 तक जर्मनी, जापान जैसे महारथियों को हराकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे? तो देखिए, इसके पीछे 2 फैक्टर हैं। पहला तो ये कि हमारी GDP लगातार बढ़ रही है, और दूसरा फैक्टर ये कि हमारे जो विरोधी हैं, जिन्हें हम कंपटीशन दे रहे हैं, उनकी हालत खस्ता है। बात करते हैं सबसे पहले 4th नंबर पर बैठे जर्मनी की, जिसे हमें सबसे पहले हराना है। तो आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 2 सालों के अंदर जर्मनी की GDP 4.5 ट्रिलियन से लगभग 4.2 ट्रिलियन पर आ चुकी है। इतना तगड़ा नुकसान हुआ है। वहीं भारत की GDP 3 ट्रिलियन से बढ़कर 3.7 ट्रिलियन पर आ चुकी है। यानी कि भारत और जर्मनी के बीच में लगभग 450 बिलियन डॉलर का ही अंतर रह गया है, और भारत 1.5 साल के अंदर इस अंतर को खत्म कर सकता है। इसके अलावा जर्मनी के लिए दिक्कतें ये भी हैं कि जर्मनी की इकोनॉमी लगातार श्रिंक कर रही है, मतलब कि GDP ग्रोथ प्लस में नहीं है, माइनस में है, लगातार घट रही है। और स्क्रीन पर आप देखिए आर्टिकल, जो पिछले महीने के GDP के आंकड़े हैं वो भी निगेटिव में आए हैं, और इसलिए जर्मनी की अर्थव्यवस्था इस समय
रिसेशन में है, यानी कि आर्थिक मंदी में है। वहीं इसके उलट भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में नंबर वन है, तो ऐसे में ये तो स्वाभाविक है कि भारत जर्मनी को तो आसानी से पछाड़ देगा। बात करें जापान की, तो जापान की हालत तो इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। दरअसल जापान में जीडीपी ग्रोथ तो गिर ही रही है, साथ में वहां पर पॉपुलेशन का भी अकाल पड़ा है। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले एक साल में उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ही मैसिव फॉल देखा गया है, लगातार गिर रही है, और इसी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि जो जवान लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी कमी है, और उसका इफेक्ट उनकी जीडीपी ग्रोथ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी भारत और जापान के बीच में लगभग 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का फासला है, और भारत इसे पार कर सकता है अमेरिका की मदद से। दरअसल इस समय अमेरिका और चीन के बीच में जो दुश्मनी है वो लगातार गहराती जा रही है, और भारत को इसका फायदा बहुत ही शानदार तरीके से मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी तमाम इंडस्ट्री, तमाम जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सबको आदेश दे रहा है कि चीन में काम मत करो, चीन से बाहर निकलना शुरू करो, और ऐसा अमेरिकी कंपनियां कर भी रही हैं। लगातार चीन छोड़कर भारत को अल्टरनेटिव के तौर पर देख रही हैं, क्योंकि भारत और चीन की पॉपुलेशन भी लगभग सेम है। भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चीन से भी ज़्यादा कम है। इसके अलावा भारत लगातार एक उभरता हुआ बड़ा मार्केट भी बन रहा है, तो भारत एक परफेक्ट और यूनिक चॉइस है, जिस वजह से इस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ तो अभी डबल डिजिट में भी जा सकती है, और इतने पेस से आगे बढ़ेगी कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देगी। वैसे इसके अलावा भी दर्जनों और फैक्टर दिए गए हैं, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताने लग गया तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और आपको समझ भी आ गया होगा कि क्यों ये बहुत ही बड़ी संभावना है कि भारत 2027 तक ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने उभर सकते। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार जर्मनी का तो मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, 2024 में, ये मैं कहता हूँ, मैं अपनी मूछें मंडवा दूंगा, 2000 मैं कहता हूँ 24 में तो उसको भाई क्रॉस कर देगा भारत, उसकी भाई श्रिंक हो रही है 2024 में भाई कर जाएगा, मुझे लिख के ले लो एंड तक उसको तो क्रॉस कर जाएगा, और 25 में जापान भी निपट जाएगा। 26 तक उनकी आबादी मैंने अभी विकिपीडिया पे देखी थी, भारत की 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जर्मनी की 4.1 के इस तरह इकोनॉमी है, और जापान की 5 ट्रिलियन लास्ट ईयर मैंने देखी थी, और अभी उसकी 4.4 ट्रिलियन लिखी है। बेशक आप खुद जाकर उधर जाके देख लेना, तो मतलब इतना बड़ा कोई अंतर नहीं रहा, और जिस तरह अगर बोला जा रहा है उनकी कम हो रही है, तो कम में यही होगा कि भारत की ज्यादा हो रही है, उसकी कम हो रही है, तो 1-2 सालों में निपट जाएगा सबको। यार अगर इसी तरह स्पीड से चलता रहा तो 2025-26 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सही बात है। और अगर थोड़ा बहुत फर्क हुआ तो नहीं तो 2027 तक तो उन्होंने बोल ही दिया। आप अंदाजा लगाओ, आज अब वो खुद अपनी रिपोर्टें चेंज कर रहे हैं। अभी देखो, अभी मतलब 2027 के आने में कितने साल रहते हैं, कम से कम 4 साल रहते हैं, ठीक है, मतलब 3.5 साल इस तरह ना। अभी से वो रिपोर्टें चेंज कर रहे हैं, पिछले साल उन्होंने 2029 बोला था, उससे पहले 2031-30 बोला था उन्होंने, अब आके 2027 तक आ गया। आरबीआई ने, आपको नहीं लगता कि अगले साल फिर चेंज करेंगे? रिपोर्टें चेंज होती हैं भाई, रिपोर्टें ये चेंज कर रहे हैं, ये पीछे लाई जा रहे हैं, वाकई तो ये चीज है। भारत बहुत जल्दी क्रॉस बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, इसी वजह से सब आपका कहना है। मेरे कमेंट सेक्शन में दे अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।